बेगूसराय के सदर अस्पताल में अचानक पहुंचे बिहार सरकार के कानून मंत्री साहब बेगूसराय के प्रभारी मंत्री शमीम अहमद। इस दौरान वहां पर मौजूद डॉक्टर एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रभारी मंत्री शमीम अहमद ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे हैं क्योंकि बेगूसराय के प्रभारी मंत्री होने के नाते अपने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अधिकारियों के साथ भी बैठक की इसी दौरान। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बेगूसराय के सदर अस्पताल के बारे में कुछ शिकायतें मिली थी। इसी सिलसिले में आज बेगूसराय के सदर अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान सभी वार्ड को अपने स्तर से निरीक्षण किया और सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी हालचाल जाने। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में सुचारू रूप से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ सदर अस्पताल में कमियां पाई गई हैं, उसको ठीक करने का सदर अस्पताल प्रबंधक को निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से शिक्षा स्वास्थ्य अच्छे ढंग से चल रही है। इस दौरान प्रभारी मंत्री के साथ मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक राजकुमार सिंह एवं चेड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजवंशी महतो सहित कई नेता मौजूद थे। एक मिनट थोड़ा सा फोटो लेने दे। काल दीजिए ना भाई, कहाँ हाथी लाना है? रुके रुके मुआयना करने के लिए कुछ ही समय से सर फोटो लेकर आपको अच्छा, किस तरह से सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, किस तरह का आदेश दिए गए हैं, क्या क्या कमियां पाई गई हैं? अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल में हैं, उसका निरीक्षण किया गया बेगूसराय के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे मरीजों से भी मिला मैंने, कई मरीजों से भी मिला और बहुत लोगों का डायलिसिस भी हो रहा है। यहाँ पे 9 मशीन भी लगा हुआ है डायलिसिस का, सारे पे डायलिसिस हो रहा है। आईसीयू में भी मरीज मिले, सर जगह जितने भी है सारे लोग संतुष्ट हैं, सभी को दवा दी जा रही है। सरकार क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और ये स्वास्थ्य मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री जी का अलग से निर्देश है कि गरीबों को कहीं से भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाए। ये सारे डॉक्टर लोग भी लग करके और सारे हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी लगे हुए हैं कि हमारी जनता कैसे जल्द से जल्द ठीक हो और उसके पैसा नहीं लिया जाए, दवा फ्री दे रही है सरकार और भी दवा उसमें बढ़ा है, जिस खास करके ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की दवा मुफ्त में और सभी सारी दवाएं मुफ्त में मिल रही हैं।
शरीर और क्षमता कि पहले से कितनी व्यवस्था सुधरी। अब देखेंगे, आप लोग भी देखते होंगे पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति। कुछ दिशा निर्देश भी कुछ निर्देश दिया गया है, और भी जो कमी है वो हम लोग नोट किए हैं, और भी इसको हम लोग मल्टी स्पेशलिटी का भी काम यहाँ पे चल रहा है, वो भी तुरंत काम लगा तेज गति से कराने का। चतुर्थ वर्गीय कर्मी यहाँ मतलब प्लास्टर होता है, उस पर क्या कहेंगे, यहाँ एक भी कर्मचारी मतलब ड्रेसर हमको लगता है कि एक ही है। आप जितने लगने से नहीं होगा, ये तो जवाब देंगे सीएस कि यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं। जब मंत्री जी आए हैं तो ये समस्या तो उठेगा ना कि यहाँ चतुर्थ कर्मचारी इसका जवाब सीएस दे पाएंगे ना मंत्री जी को। तो सरकार द्वारा मांगा गया है, हम लोगों ने लिस्ट भेज दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन पद रिक्त है, और जल्द ही पर लोग आएंगे। नहीं, ये क्या यहाँ चतुर्वर्गीय कर्मचारी द्वारा प्लास्टर करते? जी 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 जी, प्लास्टर करते हैं, ये कंफर्म किया। डॉक्टर करते, डॉक्टर करते हैं, प्लास्टर चतुर्वर्गीय कर्मचारी करते हैं, स्वीपर लोग करते हैं, यहाँ पर टेक्नीशियन का काम। अब आप ही लोग इलाज करते हैं। क्या विशेष प्रयोजन है आप बेगूसराय जब से महागठबंधन की सरकार बनी, यहाँ के हम प्रभारी बने तो लगातार आना जाना लगा रहता है, तो ये आज हम लोग स्पेशल आए हुए हैं, जनता की फरियाद भी हम लोग सुन रहे हैं और इनका समाधान भी हम लोग करेंगे, और निजी कार्यक्रम में भी शामिल होना है। निजी कार्यक्रम में शामिल होना है सर, और वहाँ पे जो आए हैं समीक्षा भी करेंगे कुछ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का खास करके, अभी हम बताएंगे तो काम में आपको फिर करेंगे। अच्छा, फिर से बात करेंगे। ठीक है, अभी जाइए।